नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इंदौर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है सराफा बाजार। इंदौर शहर में स्थित यह जगह खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जहां पर पर्यटक वहां जाकर वहां की लोकल फेमस दही वड़ा, मेंदू वड़ा और साबूदाना खिचड़ी जैसे कई व्यंजनों का मजा उठा सकते हैं। दिन में यह गहनों का बाजार है, जो रात को खाने पीने बाजार में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 9 पर है इंदौर जू। यह जू इंदौर शहर के नवलखा विस्तार में बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। पर्यटक यहां पर हिमालयन ब्लैक बियर, तेंदुए और बंगाल टाइगर जैसे कई वन्य जीव की प्रजाति देख सकते हैं। इसके साथ साथ पक्षियों की भी विविध प्रजाति देखी जा सकती है। नंबर 8 पर है खजराना मंदिर। इंदौर शहर में स्थित यह मंदिर हिंदू भगवान गणेश को समर्पित है, जिसका निर्माण रानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। श्री गणेश का यह मंदिर इंदौर शहर में स्थित सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, जहां पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। हर बुधवार और रविवार को यहां पर काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का यहां पर विशेष महत्व है। नंबर 7 पर है पाताल पानी वाटरफॉल। इंदौर शहर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह काफी खूबसूरत और अद्भुत झरना है। यह झरना 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, लेकिन इसकी गहराई के बारे में कोई अनुमान नहीं है, जिसके चलते इसको पाताल पानी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। जुलाई का महीना इस वाटरफॉल को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, तब यह वाटरफॉल अपनी खूबसूरती पे रहता है। नंबर 6 पर है अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क। इंदौर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर का काफी खूबसूरत पार्क है, जो 122 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क के बीच में एक झील भी बनी हुई है, जहां पर आने वाले पर्यटक बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम के टाइम पे यहां पर म्यूजिकल फाउंटेन का आयोजन भी किया जाता है। इंदौर का यह खूबसूरत पार्क पिपलियापाला पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 पर है ओमकारेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो इंदौर शहर के पास में ही स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर एक द्वीप पर स्थित है, जो ओम के आकार में बना हुआ है, और इसीलिए इस जगह को ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ग्रंथों के अनुसार यह ममलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर है इंदौर म्यूजियम। यह म्यूजियम इंदौर शहर की विरासत को बरकरार रखता है, जहां पर आने वाले पर्यटक इंदौर शहर के शानदार इतिहास को देख सकते हैं। पर्यटक यहां पर प्राग ऐतिहासिक कलाकृतियां, सिक्कों और हथियारों का बड़ा संग्रह देख सकते हैं, पर इन सब में परमार मूर्तियों के बारे में जानने के लिए यह सबसे अच्छा स्थान है, जिसकी उत्पत्ति इंदौर शहर में हुई थी। इंदौर शहर में स्थित यह म्यूजियम सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर है कांच मंदिर। यह इंदौर शहर में स्थित एक भव्य मंदिर है, जो सफेद पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से कांच से बना हुआ है, जहां पर पिलरें, दीवारें, छत सभी कांच से बने हुए हैं। 20वीं शताब्दी में बना हुआ यह एक जैन मंदिर है, जहां पर भगवान महावीर और तीर्थंकर की मूर्तियां रखी गई है। नंबर 2 पर है
लालबाग पैलेस। यह इंदौर शहर के सबसे शानदार महलों में से एक गिना जाता है, जिसका निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। खान नदी के तट पर बनी यह 3 मंजिला शानदार संरचना है, जहाँ की वास्तुकला काफी अनूठी है। पर्यटक यहाँ पर भारत की सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद सिक्का संग्रहालय को भी देखा जा सकता है। और नंबर 1 पर है रजवाड़ा पैलेस। यह पैलेस इंदौर शहर का मुख्य आकर्षण है, जो होलकर राजवंश की एक ऐतिहासिक हवेली है। यह पैलेस फ्रेंच, मुगल और मराठा शैली की मिश्र वास्तुकला का एक नमूना है। शहर के बीचों बीच स्थित यह 7 मंजिला इमारत है, जो पूरी तरीके से लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। इस पैलेस का मुख्य आकर्षण यह का प्रवेश द्वार है, जो काफी भव्य है।